हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज अपनी सेकंड क्लास है एसएसटी की। अपन ने चैप्टर वन का पार्ट ए पढ़ चुके हैं और आज अपन पार्ट बी पढ़ेंगे और आज अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट वन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी अगर भूल गए हैं तो आप एक बार लिंक पर जाके वीडियो को दोबारा देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको दोनों पूरा चैप्टर एक बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपन ने पिछली बार नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को पढ़ लिया था। लिथोस्फेयर मतलब मिट्टी, ज़मीन, बायोस्फेयर मतलब वाइल्ड एनिमल्स, हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी, और एटमॉस्फेयर मतलब हवा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वॉज अटेंडिंग। एनसीसी कैंप था जहाँ पर रवि कोई स्टूडेंट है जिसकी क्लास चल रही थी। जैसी एक्सक्लेम्ड, जैसी चिल्लाई, वॉट अ हैवी डाउनपोर, कितनी भयंकर बारिश हो रही है। डाउनपोर मतलब बहुत तेज़ बारिश। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, ये मुझे केरला की याद दिला रही है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशंस। आपको देखना चाहिए कैसे बारिश होती जा रही है बड़े बड़े हरे मैदानों में और कोकोनट के पेड़ों के बीच। हीरा एंड जैसलमेर, हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड वी गेट नो रेन्स। हीरा ने चिल्लाया कि हमारे तो बारिश ही नहीं होती। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड, हमें कीकर नाम के मतलब कीकर एक पेड़ का नाम है, पेड़ चारों तरफ कीकर ही कीकर के पेड़ है, कांटेदार, और मिट्टी मिट्टी दिखाई देती है। एज़ फार एज़ द आईज कैन सी, जहाँ तक आंखों की नज़र जा सके। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स एर रवि, पर तुम्हारे वहाँ कैमल्स भी तो होते हैं, रवि ने कहा। ठीक है, अब अपन बात करें। हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, इफ़ यू विजिट अवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजार्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। तो हीरा कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर हमारे डेजर्ट में जाओगे तो वहाँ सांप भी मिलेंगे, छिपकली भी मिलेंगी और कई इंसेक्ट्स भी मिलेंगे, हाथी के साथ, वो कैमल के साथ साथ, ऊँट के साथ साथ। रवि वॉन्डर्ड वाई डू एनिमल्स द वेजिटेशन द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। केरला में बहुत बारिश है, वहाँ अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। राजस्थान में बिल्कुल बारिश नहीं है, वहाँ अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरीके से क्यों रहते हैं। ओ यस वेरी मच सो द टीचर रिप्लाइड, हाँ होता है ऐसा, टीचर ने रिप्लाई किया। ठीक है, ऑल प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। हर प्रकार के पौधे, एनिमल्स और जानवर अपने चारों तरफ के वातावरण पर निर्भर करते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं लेकिन वातावरण पे भी डिपेंड करते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एलवेज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो जीव जंतुओं और आसपास के वातावरण के बीच का संबंध और जीव जंतुओं के आपस के बीच का संबंध क्या बनाता है, एक इकोसिस्टम बनाता है। यानी जहाँ पे हम रह रहे हैं और हमारे चारों तरफ का वातावरण, हम और चारों तरफ का वातावरण दोनों मिलके क्या बनाएंगे, इकोसिस्टम। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, ओशन एंड इवन स्मॉल पोंड। अलग अलग तरह के इकोसिस्टम पाए जा सकते हैं। एक बहुत बड़ा बारिश मतलब फॉरेस्ट है जो बारिश से बना है, वो भी एक इकोसिस्टम है। एक ग्रासलैंड, एक ज़मीन, खाली ज़मीन है जहाँ पे ग्रास उग रही, वो भी एक इकोसिस्टम है। एक रेगिस्तान भी एक इकोसिस्टम है क्योंकि वहाँ पे कुछ जीव है और उनका वातावरण है। पहाड़ अपने आप में एक इकोसिस्टम है। लेक्स, रिवर्स, ओशन और एक छोटा सा तालाब भी अपने आप में क्या है, एक इकोसिस्टम, क्योंकि तालाब में जीव जंतु रहते हैं और उनके चारों तरफ का वातावरण है उस पर वो निर्भर करते हैं। ठीक है, डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम, क्या जिस पार्क में रवि खेलता था वो इकोसिस्टम था। हाँ एक इकोसिस्टम था वो। अब बात करें ह्यूमन एनवायरनमेंट, इंसान का चारों तरफ का एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। इंसान अपने चारों तरफ के वातावरण में रहते हैं, उनसे मतलब मिलते जो मतलब उससे मिलाव होता है और उस वातावरण को अपने अनुसार बदल लेते हैं। जैसे कि मान लो ये ज़मीन अच्छी नहीं लग रही, यहाँ बिल्डिंग बना दी, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही वैसा कर दिया, ये जानवर अच्छे नहीं लग रहे तो इनको कहीं और छोड़ आए। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। अब पहले के ह्यूमंस में क्या अंतर था कि वो जो भी वातावरण थे उसके हिसाब से डलते थे।
लेकिन आज के लोग क्या करते हैं, वातावरण को चेंज कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे अगर पहले गर्मी पड़ती थी तो गर्मी को सहन करते थे, अपनी बॉडी को ऐसा बनाते थे कि गर्मी सहन कर सके, लेकिन आज के टाइम पे गर्मी लगती है तो अपन वातावरण ही चेंज कर देते हैं, गर्मी को ठंडे में कन्वर्ट कर देते हैं एसी चलाकर। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। वो सिंपल लाइफ जीते थे पहले के लोग और अपनी ज़रूरतों को नेचर से ही पूरा करते थे, कुछ ज़्यादा आधुनिक आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं बनाते थे और नेचुरल चीज़ों से अपना जीवन व्यापन चलाते थे। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरीड। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ज़रूरतें बढ़ती गईं और बदलती गईं। ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज द एनवायरनमेंट। और इंसान धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट को बदलता गया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड ए सेटल्ड लाइफ। और धीरे धीरे इंसान फसल उगाने और जानवर पालने, पालतू जानवर पालने और एक सेटल लाइफ जीने की तरफ बढ़ता गया, सीखता गया। द व्हील वॉज इन्वेंटेड। फिर पहिए जब इन्वेंट हुए तो सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड एंड बार्टर सिस्टम इमेज। और जब पहिए बन गए तो जो भी एक्स्ट्रा भोजन बनता उसको बार्टर सिस्टम, मतलब कि अपन अपना सामान किसी और को दे दें और दूसरे का सामान बदले में खुद ले लें, वो सिस्टम बढ़कर हुआ। बार्टर सिस्टम था जिसमें पैसे नहीं होते थे, मेरे पास गेहूं है किसी के पास चीनी है तो मैं उसको गेहूं दे दूंगा वो मुझे चीनी दे देगा, वो सिस्टम क्या कहलाता है, बार्टर सिस्टम, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप। तो धीरे धीरे धंधा व्यापार बढ़ता गया जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट आता गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और जब इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर बड़े स्तर पे चीज़ें बनने लगी, ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्ट है सामान ले जाने का यातायात है वो तेज़ होता गया। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। और धीरे धीरे संचार यानी एक जगह से दूसरी जगह बातचीत करने के माध्यम बनते गए, टेलीफोन, इंटरनेट, तो जिससे एक जगह से दूसरी जगह पे अपन लोग जुड़ते गए। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग ए जूसी वाटरमेलन इन समर एंड होट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर। कि आप क्यों गर्मियों में एक तरबूज खाना पसंद करते हैं और सीकी हुई मूंगफली खाना पसंद करते हैं सर्दियों में। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। क्योंकि गर्मियों में ठंडी चीज़ खाते हैं और सर्दियों में गर्म चीज़, तो ऐसे ही नेचर, इंसान का और नेचर का जो एनवायरनमेंट है चारों तरफ का, उसमें एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ एनवायरनमेंट इन ए हारमोनियस वे। इंसान को ज़रूरत है कि अपने वातावरण के हिसाब से जिए, वातावरण को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। न्यूरी अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस। न्यूरी जो कि एक मिजोरम की रहने वाली लड़की है, रवि की क्लासमेट है, वो अपने वहाँ की चारों तरफ की हरियाली के बारे में बात करती है। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, न्यूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट आवर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वैकेशन। और जब रवि कहा कि हमारे यहाँ का प्लेग्राउंड चला गया है, अब नहीं रहा है, तो नूरी ने उसे कहा कि तुम हमारे वहाँ आना, एक बार हमारे स्टेट मिजोरम में आना। रवीज़ टीचर आज अ स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप हाउसेज एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल प्लेसेज दे विजिट ड्यूरिंग हॉलीडेज़। और रवि के टीचर ने कहा कि जहाँ भी तुम हॉलीडेज में घूम के आओ वहाँ की ज़मीन कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसे है, लोग कैसे हैं, उसका एक चित्र बनाकर दिखाओ, ठीक है। तो ये हमारा भाई, हमारा एनवायरनमेंट कैसा होता है, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा अपन ने, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था, हमारा समाप्त हो गया। आपने एनवायरनमेंट दो चीज़ों से बनता है, प्राकृतिक चीज़ों से और तीन चीज़ों से, प्राकृतिक चीज़ों से, मानव के द्वारा निर्मित चीज़ों से और तीसरा इंसानों से, ठीक है। और ये तीनों चीज़ अच्छे से जब रहेंगी, जब इंसान प्राकृतिक चीज़ों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो स्टूडेंट चैप्टर इतना ही था, चैप्टर समाप्त होता है। अगली क्लास में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में करने, मैच द फॉलोइंग, गिव रीजन, सारे सब कुछ आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। उसको कॉपीज़ में नोट करना बकायदा, फेयर कॉपी में। और जब लॉकडाउन के बाद अपना स्कूल खुलेगा तो बकायदा काम चेक होगा। तो कोई भी बच्चा ये नहीं सोचे कि चैप्टर समझता जाता हूँ काम नहीं करूँगा, काम भी करना है। स्कूल ओपन होते आपके फर्स्ट टेस्ट हो जाएंगे और आपका बकायदा काम चेक होगा, तो इन चैप्टर्स को करते रहें और फ्री टाइम मिले तब याद भी करते रहें इनको, क्योंकि एक साथ जब स्कूल आओगे तो इतना सारा याद नहीं कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही था, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। कोई भी प्रॉब्लम है ग्रुप में लिखें, वीडियो में कमेंट करके लिखें, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।